हे गाइस, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके मैं आ गया हूँ, जो है पार्ट 19। और इससे पहले के पार्ट जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप नीचे प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है। और आपको ये वाला पार्ट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करके जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको 3p-5m = 5 दिया है, p·m(6) दिया है, 9p²-25m² की वैल्यू पूछी है। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, वो आपको समझाना चाह रहा हूँ, वही है। और ट्रिकी क्वेश्चन है काफ़ी, आप देखिए कैसे करेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए। आई होप आपने नहीं किया है। अब देखें आंसर कैसे करेंगे। देखो, 9p²-25m² की वैल्यू पूछी है। ये फॉर्मूला नहीं लग रहा आपको, a²-p² का? अगर मैं इसे 3p² लिख लूँ, 3p²-5m² लिख लूँ, तो फॉर्मूला नहीं बन गया? 3p-5m और 3p+5m का? आप कहोगे जी हाँ भाई, ये तो फॉर्मूला बन गया। मैं कहूँगा हाँ। अब यहाँ से देखो, 3p-5m की वैल्यू दी है, क्या दी है? 5, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो 5 आ गई। अगर मेरे को 3p+5m और पता चल जाए तो फिर तो मेरा काम ही बन जाएगा, सही बात है। तो अब मेरा उद्देश्य है 3p+5m की वैल्यू निकालना। तो 3p+5m, ये देखो a+b है, ये यहाँ पे a-b दिया है और ये यहाँ पे ab दिया है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है, a+b²(a-b²)+4ab, ठीक है। एक्चुअली फार्मूला क्या है, इसको ही मैंने इस तरीके से लिख दिया है। अब यहाँ पर 3p+5m है, तो 3p+5m²(3p-5m²)+4a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3p है ना, ए की जगह पे क्या है? 3p है, तो 3p·b की जगह पे क्या है? 5m, 5m, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 3p-5m की वैल्यू मुझे दी है, जी हाँ दी है 5। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25, 4 × 12 = 60। और p·m की वैल्यू कितनी दी है? 6, तो ये 6 आ गया। तो यानी कि ये हो गया 6 × 36, 360 और 385। तो ये वैल्यू आ गई मेरी 3p+5m की, के होल स्क्वायर की। अगर मैं यहाँ से 3p+5m की वैल्यू निकालूँ तो वो आएगी ±√385, ठीक है भाई। देखो एक कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर पावर कभी इवन नंबर है, देखो ध्यान रखना, पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी हमेशा, ठीक है। अगर ऑड नंबर है तो ए की वैल्यू आएगी 1 वैल्यू, ओके। अब वो डिपेंड करता है माइनस की होगी या प्लस की होगी, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों की वैल्यू आ सकती है, इवन नंबर है तो, ठीक है। यहाँ पर दो वैल्यू कम से कम आएंगी, ये वहाँ पे आता ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर प्लस माइनस दो वैल्यू आई कि नहीं आई, ठीक है। अब 3p+5m की वैल्यू कितनी है? √385। और 3p-5m की वैल्यू कितनी है? 5। तुम्हारा आंसर हो जाएगा +−5√385। ये हमारा आंसर है, जो है ऑप्शन नंबर ए। देखो इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। अगर बाई चांस ये ऑप्शन कुछ और होता है, 10√3 होता, तब हम एक बार को ये लगा देते, लेकिन अभी हमें यही लगाना पड़ेगा क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल आंसर यही है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई थिंक मैंने CHSL में देखा था, ऐसे प्लस माइनस में कन्फ्यूज कर रहे थे वो। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ज़बरदस्त। आपको एक बार और देख लेंगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी काफ़ी ईजी है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, पावर वाला, ठीक है। और ये जो बताया है वो भी आप ध्यान रखेंगे कि पेपर के हिसाब से हम आंसर लगाएंगे प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाइए, एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, आपका पैसा वसूल।